हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अकाउंट्स मास्टर जी। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई के अकाउंट सैंपल क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट 18 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम वहां से आगे प्रोसीड करेंगे और आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 19 to 41, दैट इज आपका पार्ट वन का सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आज हमारे पास प्रिंटआउट भी अवेलेबल है, तो कैलकुलेशन करने में कंपेयर टू प्रीवियस वीडियो हमको आसानी होगी और आप लोग को भी दिखने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। एंजल एंड सर्कल व पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर एट ₹2 लाख, स्टॉक एट ₹1,40,000, डेटर्स एट ₹1,62,000 और क्रेडिटर्स 60,000। तो ए और सी शॉर्ट कर देता हूँ, पार्टनर्स हैं और उनकी बैलेंस शीट में हमको एसेट और लाइबिलिटी की डिटेल गिवन है। स्क्वायर एस वॉज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज एग्रीड एट 2:3:5। नया पार्टनर आया और रेशियो हो गया आपका 2:3:5। नोटिस करने वाली पॉइंट ये है, यहाँ पर पुराने पार्टनर्स के बीच में PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे? इक्वल, दैट इज 1:1। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 1 लाख, क्रेडिटर्स ऑफ ₹50,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर आपके कितने हैं पहले? 60,000, उसमें से 15,000 को अब हमको पेमेंट नहीं करनी है, प्रॉफिट हो गया हमारे लिए। स्टॉक पहले आपका 1,40,000 का था, अब 1 लाख का हो गया, 40,000 का लॉस हो गया आपको। डेटर्स 2,000 के हैव बिकम ई रिकवरेबल, मतलब ये क्या है आपका, एक्चुअल में जो है आपको बैड डेट हो गया। और प्रोविजन आपको बनाना है, तो प्रोविजन हम कब बनाते हैं? सबसे पहले हम एक्चुअल डेटर्स में से एक्चुअल बैड डेट लेस करते हैं, फिर रिमेनिंग पे हम प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि यहां पर पहले से कोई प्रोविजन बना हुआ नहीं है। एंजल्स शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹30,000, रीवैल्यूड फर्नीचर विल बी। तो सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का है और रीवैल्यूएशन अकाउंट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप यहां पर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने लिए रफ में बना लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट में इनकम आती है। एक्सपेंसेस भी आते हैं डेबिट में, लॉसेस भी आते हैं और क्रेडिट में आपकी इनकम और गेन्स आती है। वन बाय वन सोचते हैं, फर्नीचर के बारे में तो हमको वैल्यू निकालनी है कि फर्नीचर की नई वैल्यू है क्या, पर स्टॉक हमको दिख रहा है कि पहले 1,40,000 का था और अब आपका स्टॉक 1 लाख का हो गया है, दैट इज स्टॉक आपका गिर गया है 40,000 से, आपको लॉस हो गया। इसके अलावा क्रेडिटर्स 15,000 को आप पैसे पे नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखे बाय क्रेडिटर्स, हाउ मच? 15,000। इसके बाद 2,000 के आपके बैड डेब्ट्स हुए, तो यहां लिख लेंगे 2,000। और रिमेनिंग डेटर्स पर आपको प्रोविजन बनाना है, तो ओरिजिनल में आपके डेटर कितने के थे? सर 1,62,000 के, उसमें ₹2,000 का आपका एक्चुअल में बैड डेट हो गया, तो रिमेनिंग डेटर्स कितने के बचे? 1,60,000 के। इस पर आपको 10% का प्रोविजन बनाना है, तो कितना हो जाएगा? 16,000। तो यहां पर आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो बैड डेट कितना? ₹16,000। यहां पर फर्नीचर की वैल्यू अगर गिरी होती तो आता पर हमको पता नहीं है, वही तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब और कोई इंफॉर्मेशन हमको दिखाई नहीं दे रही है, पर एक इंफॉर्मेशन है, यहां पर जो पार्टनर है एंजल, उसका शेयर है इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो पहली बात तो आप ये समझ जाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर के आने से ठीक पहले, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को, ना कि न्यू पार्टनर्स को। यहां पर एंजल का शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना है? 30,000। लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आता है? लॉस आपका बैलेंसिंग फिगर के रूप में आता है क्रेडिट साइड में, तो बाय लॉस, और यहां पर एंजल का आपको लॉस गिवन है कितना? 30,000। तो जब रेशियो दोनों के बीच 1:1 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल लॉस कितना हुआ होगा, तो क्या आप नहीं निकाल लेंगे? अगर एंजल का हिस्सा 50% है और 50% में लॉस 30,000 है, तो 100% में लॉस कितना होगा? 60,000।
तो टोटल लॉस आपका 60,000 है, जिसमें एंजल का 30,000 है और सर्कल का भी 30,000 है। अकाउंट बंद कर देते हैं, 75,000 टोटल हो गया यहाँ का, 75,000 टोटल हो गया यहाँ का। अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, यही आपका आ जाएगा टू फर्नीचर बैलेंसिंग फिगर, 75,000 लेस 58,000 कितना हो जाएगा आपका 17,000। क्या आंसर आ गया? क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या है। ये जो आ रहा है ये तो आपको क्या बता रहा है कि फर्नीचर कितने रुपए से गिरा है, कितने रुपए से उसकी वैल्यू गिरी है। तो फर्नीचर पहले आपका था कितने का सर? 2,00,000 रुपए का, उसमें से 17,000 रुपए उसकी वैल्यू गिर गई है, तो फर्नीचर बचा कितने का, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी हुई? 1,83,000। तो पहला ही क्वेश्चन है आपके सेक्शन बी का और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं काफी कैलकुलेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो 19th का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1,83,000। 20 में आते हैं, आशा एंड निशा पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट लॉस शेयर करें 2:1 में। कशिश को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और कशिश को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, तो आशा और निशा पार्टनर हैं आपके 2:1 के लिए, कशिश को एडमिट किया है 1/4 के लिए, ऑफ विच 1/8 वॉज गिफ्टेड बाय आशा। तो इस 1/4 के लिए जो 1/8 पोर्शन है वो कौन दे रही है? आशा दे रही है। और सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि ये आशा का सेक्रीफाइस पोर्शन है, 1/8 इज सेक्रीफाइस्ड पोर्शन ऑफ आशा। तो आशा 1/4 में से 1/8 तो आशा दे रही है, तो फिर निशा कितना दे रही होगी? तो 1/4 माइनस 1/8, 32, 8 1 4, 4 by 32, 1/8। दैट इज जो निशा है वो भी 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो है आपका वो क्या है? 1:1 है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है आगे? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। तो गुडविल फर्म की 40,000 है, तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसे कितना गुडविल लेके आना है? जो के है, कशिश है, कशिश शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा? सर वो 1/4 के लिए आ रहा है ना, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट इज 10,000। अब जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, ये सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में मिलता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशा कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 10,000 का गुडविल है ना, ये आशा और निशा दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता, और रेशियो क्या होता? 1:1, दैट इज 5,000 ईच। पर क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ किसके बारे में पूछा है? निशा के बारे में पूछा है कि निशा के अकाउंट में क्रेडिट कितना करेंगे, तो आंसर क्या होगा? 5,000। तो 20 का आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वसु, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभाव हैड डेटर्स ऑफ ₹6,20,000 एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ ₹20,000 इन देयर बुक्स। यहां पर एक बात ध्यान रखना, आप पहले से प्रोविजन बना हुआ है 20,000 का बुक्स में आ रहा है। असल में तो डेटर्स आपके 6,20,000 के हैं और उस पर 20,000 का प्रोविजन बनाकर रखा हुआ है। एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट वर रीवैल्यूड एंड इट वॉज फाउंड दैट डेटर्स वर्थ ₹15,000 हैड टर्न बैड एंड हेंस वुड बी रिटर्न ऑफ। नाउ आपके एक्चुअल में बैड डेट कितने का हो गया? 15,000 का, ठीक है, और आपको 15,000 से राइट ऑफ करना पड़ेगा। विच जर्नल एंट्री रिफ्लेक्ट द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इससे पहले कि आंसर दे कि हम खुद ही जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, सबसे पहले आप एंट्री पास करेंगे एक्चुअल बैड डेट की। तो आप एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना? 15,000। और क्योंकि एक्चुअल बैड डेट हुआ आपका, तो इससे आपके डेटर्स की वैल्यू कम होगी, तो 2 debtors 15,000। अब अगर इस क्वेश्चन में आपने प्रोविजन
अकाउंट डेटर्स का पहले से नहीं बनाया होता तो इस बैड डेट को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते और आप एंट्री पास करते प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 15,000 से। पर इस क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपने बैड डेट को कवर करने के लिए पहले से 20,000 का प्रोविजन बना रखा है। तो ये 20,000 आप कहां से कम करेंगे? प्रोविजन से कम करेंगे। तो हम प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है और अब जब उसके बैलेंस को कम करना है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 15,000 टू बैड डेट 15,000। तो हमारे हिसाब से तो ये दो एंट्री है, देख लेते हैं आगे मैच कर रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन। बैड डेट टू डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट 15,000। नेक्स्ट बैड डेट टू डेटर, ये तो सही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कहां से आ गया? गलत है। रीवैल्यूएशन गलत है, बैड डेट टू रीवैल्यूएशन गलत है। तो पहला ही ऑप्शन जो है, जो हमने एंट्री पास की है वो सही है, दैट इज ऑप्शन ए। 22 में आते हैं, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन रीड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन पीएलए अकाउंट। क्या ये बात सही है? यस सर, रिजर्व में जो आप पैसे देते हो वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, दैट इज प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ना, आपके पास पैसे होंगे तभी तो सेविंग करोगे ना, ठीक है। तो ये एसर्शन तो मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। रीजन में आते हैं, रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये बात 100% रॉन्ग है। अभी हमने बात की कि रिजर्व जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, रिजर्व को चार्ज बोल दिया मतलब पूरी उसकी मीनिंग को ही इसने गलत साबित कर दिया। तो यहां पर आपका एसर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, वही आपको चॉइस करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 का? एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, यही बात है। तो 22 का आपका आंसर ए हो जाएगा। 23 में आते हैं दोस्त, अनुभव शगुन पी, फिर से शॉर्ट कर लेते हैं एएसपी, पार्टनर्स है फर्म में, इनका रेशियो है 2:2:1। 1 अप्रैल 2021 को ये अपना पीएसआर चेंज कर रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं, 5:3:2, ठीक है। ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माइंड इट डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या है ये आपका लॉस है, 30,000 का बैलेंस शीट में आ रहा है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। विच ऑफ द अंडर मेंशन ऑप्शन रिफ्लेक्ट करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द अबो ट्रीटमेंट, तो एंट्री के हिसाब से हमसे पूछ रहा है। तो इससे पहले कि हम आंसर बताएं हमको निकालना होगा यहां पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होता है आपका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आंसर पॉजिटिव आया तो वो सेक्रीफाइस बता रहा है क्योंकि हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं। अगर इससे आंसर आपका नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो ए का अलग निकालेंगे, एस का अलग निकालेंगे और पी का अलग निकालेंगे। ए का पुराना रेशियो क्या है सर? 2:5। एस का पुराना रेशियो क्या है सर? 2:5। एस का 2:5 और पी का है आपका 1:5। ये हमने क्या लिखा है? तीनों का ओल्ड रेशियो। अब तीनों का न्यू रेशियो लिख दो। न्यू रेशियो क्या है? ए का 5:10, एस का 3:10 और पी का 2:10। सॉल्व करते हैं, 20-25। पहला ही आंसर जो है मेरा यहाँ पर क्या आ गया दोस्त? नेगेटिव आ गया, -5:50। मतलब ये -5:50 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपका गेनिंग रेशियो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एस का निकालते हैं 20-15। तो ये 5:50 पॉजिटिव आया, दैट इज ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये सेक्रीफाइस किया है। किससे सेक्रीफाइस किया है? एस ने, शगुन ने, ओके। और पी का देख लेते हैं, तो पी ने ना ही कुछ सेक्रीफाइस किया है ना ही कुछ गेन किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमसे पूछा है एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करते हैं? अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को बांटना होता है, तो भाई जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको फायदा देते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। गेनिंग पार्टनर डेबिट
गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर हमारे क्वेश्चन में नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट नहीं लॉस है, तो लॉस के केस में एंट्री हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, दैट इज सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लॉस के केस में जो पार्टनर का गेनिंग रेशियो आया है ना उसको लॉस में फायदा हो रहा है, दैट इज उसको नुकसान हो रहा है, तो उसकी नुकसान की भरपाई के लिए उसे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लॉस के केस में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना वो लॉस को सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब उसको लॉस मिल ही नहीं रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब बात करते हैं अमाउंट की, लॉस है कितने का, तो टोटल लॉस आपका है क्वेश्चन में गिवन 30,000। तो एक बात याद रखें, यहां पर लॉस का बंटवारा नहीं कर रहे हम, यहां पर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, तो हम नेट इफेक्ट की एंट्री करते हैं ओनली, दैट इज जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो आया है उसके बेस पर एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया है, 5/50, जिसको हम 1/10 भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉस का सेक्रीफाइस पोर्शन निकालेंगे, दैट इज 30,000 का 5/50 कह दो या 1/10 कह दो, तो ये 3,000 रुपये आ जाएगा। तो जो आपकी एंट्री पास होगी वो 3,000 से होगी। और एंट्री क्या कर रहे हैं लॉस के केस में, सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमारे केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, शगुन है, तो हम क्या करेंगे यहां पर शगुन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,000 रुपये से टू गेनिंग पार्टनर कौन है, सर गेनिंग आया था आपका अनुभव का, तो 2A कैपिटल अकाउंट कितना 3,000 रुपये। आपको एग्जाम में तो टिकी करना है तो ये तो हमारा रफ वर्किंग है, तो हम अनुभव की जगह A लिख सकते हैं, शगुन की जगह S लिख सकते हैं, क्योंकि हम अपने लिए वर्किंग कर रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन में ऐसी कोई एंट्री है क्या, शगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 3,000, अनुभव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 3,000, पहला ही सही हो गया। 24 में आते हैं, ABC पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है। बी जो है इसमें से तीनों पार्टनर में से वो विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट और वो भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ के लिए। तो याद है यहां पर सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालते हैं, सबसे पहले एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पहली ड्रॉइंग के बाद बचे हुए मंथ, आखिरी ड्रॉइंग के बाद बचे हुए मंथ डिवाइड बाय टू। पहली ड्रॉइंग इसने मिडिल ऑफ फर्स्ट मंथ में की होगी तो तब 11.5 मंथ रिमेन होंगे, आखिरी ड्रॉइंग इसने आखिरी महीने के 15 दिन पहले की होगी तो तब भी आपका आधा महीना बाकी होगा, 0.5 मंथ डिवाइड बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 मंथ, ठीक है। हीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹4,800। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको निकालना नहीं है, निकाल कर दे दिया है, तो फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इसकी मंथली ड्रॉइंग्स कितनी होगी ये बताएं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू जो भी आपकी टोटल ड्रॉइंग्स है मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट हमको गिवन है क्वेश्चन में 8%, और एवरेज पीरियड हमारा 6 डिवाइड बाय 12। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल कर दे दिया आपको 4,800। क्या आपको टोटल ड्रॉइंग्स पता है, नहीं सर टोटल ड्रॉइंग्स हमको नहीं पता है। तो इसको मान लिया सपोज हमने एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं 8/100 और 6/12, इसी को आगे सॉल्व करते हैं, स्पेस नहीं है तो यहीं पर कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4,800 मल्टीप्लाई बाय 100/8 एंड मल्टीप्लाई बाय 12/6, ठीक है। तो ये 6 1s, 6 2s, 8 1s, 8 6s, तो
60,000 मल्टीप्लाई बाय टू, एक्स आपका आ गया 1,20,000 रुपये। अब देखिए कंफ्यूज किया आपको, 1,20,000 ऑप्शन में दे दिए हैं, पर आपका करेक्ट आंसर 1,20,000 नहीं है, क्योंकि 1,20,000 तो आपकी टोटल ड्राइंग्स है। और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, मंथली ड्राइंग्स कितनी होंगी, अगर ये कैलकुलेशन नहीं दिखा तो, अब दिखा रहा हूं, तो मंथली ड्राइंग्स पे क्या करेंगे, 1,20,000 अगर 12 महीने की ड्राइंग्स है तो डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, तो मंथली ड्राइंग्स कितनी आ जाएंगी आपकी, 10,000। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 10,000, दैट इज 24th का आपका करेक्ट आंसर भी ए होगा। ठीक है, अब 25वें क्वेश्चन में आते हैं। तो हमने 24वें क्वेश्चन की थोड़ी स्पेस यूज कर ली है 25वें की, तो 25 देखते हैं कहाँ सॉल्व कर पाएंगे। अबे बाल्डविन आर पार्टनर्स, ए बी पार्टनर्स हैं 3-1 से, 31 मार्च 2021 को इनका नेट प्रॉफिट गिवन है 1,25,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अबे और बाल्डविन को आप देंगे 15,000 10,000 रिस्पेक्टिवली, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट भी हमको दे दी गई है दोनों की, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं, एक तरह से पीएल अकाउंट की जानकारी दे रहे हैं हमको। अभय इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 10% ऑन। अब अभय को, पार्टनर को आपको कमीशन पे करनी है, पार्टनर को जो कमीशन पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, दैट इज पीएलए अकाउंट में ही आता है, ना कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये मैनेजर कमीशन की बात नहीं हो रही है, पार्टनर्स कमीशन की बात हो रही है। पर यहां पर पैटर्न कमीशन क्या कह रहा है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये नेट वर्ड आपको हिंट दे रहा है कि ये कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। सर कैसे कैसे हिंट दे रहा है, बिकॉज नेट का मतलब क्या होता है, कुछ लेस करने के बाद में। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएलए अकाउंट में आप पार्टनर के सारे खर्चे लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट करते हैं, तो जो आखिरी में बचता है वही तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जो आप पार्टनर को बांटते हैं। तो नेट मतलब क्या, ये कमीशन भी लेस हो जाना चाहिए, पर ये कमीशन निकालना ही इस प्रॉफिट पर है। तो इस केस में अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, हम रेट डिवाइड बाय 100+ रेट वाली ट्रिक यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आखिरी में जो प्रॉफिट अमाउंट आएगी, जो पार्टनर को ट्रांसफर की जाती है, वो बताइए। आपसे कमीशन का अमाउंट पूछा नहीं है, लेकिन बिना कमीशन की अमाउंट निकाले आप प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 25 को यहां सॉल्व कर रहे हैं, पीएलए अकाउंट बनाते हैं शॉर्ट में अपने लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 1,25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको अमाउंट गिवन है ए और बी दोनों की 15,000 10,000, दैट इज टोटल 25,000। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, इनकम है फर्म के लिए, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का भी और बी का भी, ए का है 6,000, बी का है 4,000, कितना हो गया 10,000। अब यहां पर कमीशन आएगा, कमीशन किसको पे कर रहे हैं, अभय को, तो टू ए इज कमीशन। अभी कमीशन कैसे निकालना है, 1,25,000 का 10% नहीं करना है, 1,25,000 में 10 जोड़ो दैट इज 1,35,000, और उसमें से लेस कर दो 25,000 दैट इज 1,10,000। इस 1,10,000 का, क्योंकि नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला है तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो रेट डिवाइड बाय 100+ रेट, रेट क्या है 10, डिवाइड बाय 100+10 दैट इज 110। तो इससे आपका क्या आएगा, कमीशन की अमाउंट आ जाएगी, और ये कितनी आ रही है आपकी 10,000 रुपये। नाउ 1,35,000 में से ये 35,000 जब मैं लेस कर दूंगा ना, तब मेरा पीएलए का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू प्रॉफिट, और वो कितना आएगा 1,00,000 रुपीज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1,00,000, दैट इज 25 का आपका आंसर होगा ए। उम्मीद है बात आप लोग को समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं 26 में, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट एसर्शन रीजन वाला एसर्शन रीड करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या ये बात सही है। यस, यहां पर भी प्रिपेयर होता है, चेंज इन पीएसआर के टाइम पे भी प्रिपेयर होता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो जो एसर्शन है वो बिल्कुल सही है।
अब रीजन देख लेते हैं वो सही है कि नहीं है. इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सो दैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज रिफ्लेक्टेड. तो ये भी सही है. तो आप ऐसा ऑप्शन चुन लो जिसमें दोनों को सही बोल रहा हो, बोथ ए और आर जो है आपके करेक्ट हो और आर जो है ए को सही से एक्सप्लेन करता है. तो ये पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए. ठीक है, तो हमारा प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट हो गया क्योंकि 26 में हमको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ी. 27 में आते हैं, अपार लिमिटेड ने फोरफीट कर लिया 4000 शेयर और शेयर 20 रुपए के थे और 20 रुपए फुली कॉल्ड अप था ऑन विच एप्लीकेशन मनी 6 हैज बिन पेड. तो यहां से आपको एक बार समझ में आती है, जब हम शेयर फोरफीट करते हैं तो जब हम अमाउंट फोरफीट करते हैं तो वो अमाउंट फोरफीट क्या होती है सर, जो पैसा शेयर होल्डर पे कर चुका होता है. तो यहां पर शेयर हमने कितना अमाउंट फोरफीट किया होगा सर, 6 रुपए. करेक्ट. आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर री इशूड. तो फोरफीट तो आपने 4000 शेयर किए थे लेकिन री इशू ओनली 2000 शेयर ही आप कर रहे हैं. तो आपको पता है इस केस में एक बात आती है कि 4000 रुपए पे मल्टीप्लाई बाय 6 हमको जो पैसा मिलता है वो हमारा एक तरह से प्रॉफिट होता है, जिसको हम शेयर फोरफीटेड अकाउंट या फोरफीटेड शेयर अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं. फिर जब शेयर वापस री इशू होते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि क्या इस री इशू शेयर में कोई डिस्काउंट दिया गया है. अगर डिस्काउंट दिया गया है तो वो डिस्काउंट का पैसा कहां से लेते हैं, फोरफीटेड शेयर अकाउंट से लेते हैं. और डिस्काउंट को लेस करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो हमारा परमानेंट प्रॉफिट होता है और इसलिए अब उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, ओके सर. तो 2000 शेयर री इशूड हुए थे और ₹8000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. 8000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किस रेट पे पर शेयर पे आपने ये न्यू शेयर इशू किए हैं. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्चुअली पढ़ना, वरना एमसीक्यू आपकी बैंड बजा देगा. एमसीक्यू उतने ईजी नहीं है, अगर आपकी कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो ही आप एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर इसी बेस पर आपका फाइनल पेपर आ रहा है तो. और सीबीएसई ये पेपर इशू इसलिए करती है कि आपको पता चल पाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएंगे. तो देखिए, अमाउंट फोरफीट किया गया है 6 पर शेयर, शेयर जो री इशू है वो कितने, 2000 रुपए. तो मैं अगर आपसे पूछूं अमाउंट फोरफीट किया गया है ऑन री इशूड शेयर कितना, सर ये निकाल लेंगे हम, 2000 शेयर हैं जो री इशू किए गए, हर एक शेयर पे हमको 6 रुपए की कमाई हुई थी, हमने फोरफिट कर लिया था, दैट इज टोटल 12000 रुपए. क्या आपको ये पता है कि डिस्काउंट कितना दिया है आपने? नहीं सर, हमको तो ये पता ही नहीं है. ओके, पर डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही जो अमाउंट बचती है ना वो आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होती है और वो क्वेश्चन में आपको गिवन है 8000. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 12000 में से अगर मैं x को लेस कर दूं तो 8000 आ जाएगा. तो x आपका कितना आ जाएगा, 4000. ये 4000 क्या है, ये 4000 है आपका टोटल डिस्काउंट. अब 4000 रुपए डिस्काउंट है टोटल, तो एक शेयर पे डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट पर शेयर 4000 टोटल डिस्काउंट है. टोटल आपके ऐसे 2000 शेयर हैं तो हर एक शेयर पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है, 2 रुपए का. तो ओरिजिनली शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 20 रुपए. आपने डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपए. तो आपने रीइशू कितने पे किया होगा, 18 पे. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का बी. ठीक है, 28 में आते हैं. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा इशूड कैपिटल हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर. सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल होता है, फिर उसके बाद इशूड कैपिटल होता है, फिर आपका सब्सक्राइब कैपिटल होता है. इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल बट कैनॉट बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल. सेम इन केस ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर तो हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर ज्यादा नहीं हो सकता. तो ये पहली वाली बात तो बिल्कुल गलत है. फिर ऑथराइज कैपिटल ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है इशूड कैपिटल के, ये वाली बात सही लग रही है. सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो कम होगा इशूड कैपिटल के या बराबर भी हो सकता है, ये वाली बात भी सही लग रही है. और सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप इसको याद रखें. तो ये बात भी गलत है.
तो ऐसा ऑप्शन जहां पर टू और थ्री को सही बताया है वही हमारा सही आंसर होगा, दैट इज सी आपका। ठीक है, आ जाते हैं 29 में, मिकी टॉम जेरी, फिर से मैं इजी कर लेता हूं आपके लिए, MTJ पार्टनर्स हैं 5:3:2 में। ठीक है सर, 31 मार्च को उनके बुक में नेट प्रॉफिट आ रहा है 210,000 रुपए का। ठीक है सर, यहां तक की बातें। ऑन विच उसे रीड करते हैं, अच्छा नेट प्रॉफिट है 210,000 का और फिर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड के टर्म्स के हिसाब से इनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा तीनों पार्टनर को, और इंटरेस्ट की अमाउंट निकालकर बता दी गई है 80,000, 60,000, 40,000। तो अगर टोटल करेंगे तो 1,80,000 तो इंटरेस्ट ही हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना है सर? टोटल प्रॉफिट 210,000 है, तो 210 में से 1,80,000 तो बच चुका। अब कह रहा है कि सैलरी भी देनी है एम और टी को 60,000 और 60,000, मतलब 1,20,000। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड है जब आपकी एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट होता है। तो इस केस में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जिस जिस पार्टनर को जो जो मिलना है उसका आप टोटल कर लो। तो एम जे टी को सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना चाहते हैं, जिसकी अमाउंट निकाल कर दे दी गई है 80,000, 60,000 और 40,000। इसके बाद सैलरी पे करनी है आपको, किसको पे करनी है? एम और टी को पे करनी है। कितनी कितनी? 60,000, 60,000। तो टोटल एम को कितना पे करना है आपको सर? 1,40,000। जे को कितना पे करना है? 60,000। और टी को कितना पे करना है सर? 1,00,000। अच्छा एम टे जी, ठीक है हमारा सीक्वेंस गलत हो गया है, मिकी के बाद टॉम है फिर जे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 1,40,000 है, 60,000 है, 1,00,000 है, ये हमको इसको टोटल पे करना है। 3,00,000 टोटल पे करना है, पर पे करने के लिए सिर्फ 2,10,000 है तो ये पे नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, इसी रेशियो में 2,10,000 को हम बांट देते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, एम की 1,40,000 है, 14 ले लेते हैं, फिर टी का ले लेते हैं 1,00,000 है, इसको आप 10 ले लो, और फिर जे है आपका 60,000, इसको आप 6 ले लो। तो रेशियो और छोटी कर सकते हैं आप 7। अच्छा दोस्तों मैंने यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लिख दिया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टी का कितना है? 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे का कितना है? 40,000 है। तो ये 40,000 हो जाएगा और ये 1,20,000 हो जाएगा। तो रेशियो बन गया कि 14 और फिर 12, और जे का केस में 4, तो 14, 12, 4, तो 7:6:2 ये आपका हो जाएगा। गड़बड़ी हो गई थी कि क्वेश्चन में पहले मिकी है, फिर टॉम है, फिर जेरी है, और मैंने एम जी टे लिख दिया था, पर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके हिसाब से लिख दिया था, इसलिए गलती हुई। ठीक है, तो 7:6:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। मोहित को 600 शेयर अलॉट हुए हैं प्रो राटा बेसिस पे, और रेशियो क्या था? 2 शेयर्स पर एवरी 3 अप्लाइड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहित ने अप्लाइड कितना किया होगा सर, उसको 600 शेयर मिले हैं और रेशियो है आपका 2:3, क्योंकि ये दो बराबर है अलॉटेड के, अलॉटेड के जो 2 1s 2 3s, तो उसने 900 शेयर के लिए सर अप्लाई किया था पर उसको सिर्फ 600 शेयर मिले हैं। ठीक है, ही हैड पेड एप्लीकेशन ऑफ ₹3 per share एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 per share। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 per share वॉज नॉट येट मेड बाय द कंपनी, ही शेयर वर फोरफिटेड, फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। यहां पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किससे करते हैं सर? कॉल्ड अप वैल्यू से। ठीक है, कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे होंगे सर? 600 शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी सर? कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 10 रुपए का शेयर है, ऐसा ही मानते हैं। जिसमें एप्लीकेशन मनी 3 की दिखाई दे रही है और अलॉटमेंट मनी 5 की दिखाई दे रही है। 5 रुपए भले शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है लेकिन कॉल्ड तो हुआ है, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 800
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 4,800 से। इसके बाद आप क्या करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रिएट करते हैं। कितने शेयर हैं सर, 600 शेयर हैं। अलॉटमेंट मनी है कितना, 5, तो यहां पर कितना आना चाहिए, 3,000, और फिर यहां पर 1,800। तो यहां पर आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि आप एक बात समझे, यहां पर प्रोराटा के केस में यहां पर जब मोहित ने एप्लीकेशन मनी दी होगी तो उसने 900 शेयर्स पे दी होगी। किस रेट से दी होगी, 3 रुपए के हिसाब से दी होगी, बल्कि इसको देना कितना था, 600 के हिसाब से देना था। तो उसने 2,700 रुपए दिए थे, पर देना उसको ओनली 1,800 रुपए था। तो कितना एक्सेस पैसा उसने दे दिया था, 900 रुपए। तो जब मोहित से हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे 600 शेयर पे इंटू 5, 3,000 रुपए, तो हम इसमें से लेस कर देंगे उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, दैट इज 900 को। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट कितने से होगा, 3,000 माइनस 900, दैट इज 2,100। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा, दैट इज 2,700। क्वेश्चन में वही पूछा है, अमाउंट को एक्स वाई जेड माना पहले और बताओ एक्स वाई जेड की फिगर क्या होगी। वैसे ये क्वेश्चन में एक चीज ऑप्शन में आसान है कि आपको सीधा 4,800 सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है। तो अगर आपको इतना भी याद हो कि फोर फीचर के केस में आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से, तो आप सीधा सी निकाल सकते थे। लेकिन बेहतर है शॉर्टकट में ना जाएं, पूरे कंसेप्ट और एंट्री को समझें आप। 31st में आते हैं। 31st आपका assertion reason based question है। Given below are two statement, one labeled as assertion and other labeled as reason. Assertion read करते हैं। In case of share issued on pro rata basis, excess money received at the time of application can be utilized till allotment only. पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड है, पर ये बात झूठ है। जो हमको एप्लीकेशन में एक्सेस पैसा मिलता है प्रो राटा के केस में, उसको खाली अलॉटमेंट नहीं बल्कि हम कॉल मनी में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका एसर्शन जो है वो रॉन्ग है। रीजन पे आते हैं, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट, तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा कॉल्स इन एडवांस में 12% पर एनएम की रेट से। क्या ये बात सही है, आंसर है ये बात बिल्कुल सही है। तो एसर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन खोजो। Assertion is false but reason is true, आंसर हो जाएगा आपका डी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमको सेक्शन बी में, पार्ट वन में, और बिना कंसेप्ट के आप नहीं कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। अजय विनोद पार्टनर है 32 से, फिक्स कैपिटल उनकी 3,00,000-4,00,000 है। नाउ जब वर्ड यूज कर दिया ना फिक्स कैपिटल, तो जो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका करेंट अकाउंट। After the close of account of the year, it was observed that interest on capital which was agreed to be provided at the rate 5% per annum was erroneously provided at 10%. मतलब interest on capital 5% देना था 3,00,000 और 4,00,000 पे, पर दे दिया गलती से 10%। अब हमको पास करनी है इस सभी चीजों को सुधारने के लिए एक adjustment entry। तो इस केस में याद होगा एक छोटा सा हम टेबल बनाते हैं, तो बना लेते हैं फटाक से यहां पर शॉर्ट में ए और वी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी आपने क्रेडिट कर दिया है वो आपने 10% की रेट से किया होगा, 3,00,000 का 10,000 30,000, और 4,00,000 का 10% 40,000। ये गलती से क्रेडिट हो गया है, तो अब इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्रेडिट करना कितना था सर, इसका आधा 5% की रेट से, तो क्रेडिट कर दो कितना, 15,000 और फिर 20,000। पर कुछ लोग यहां करने के बाद भूल जाएंगे और कहेंगे सर 15,000 से अगर 20,000 से एंट्री हो जाएगी, तो गलत होंगे, क्योंकि आप एक बात भूल रहे हैं, पीएलए अकाउंट में आपका पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था 70,000 रुपए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 35,000 रुपए। तो आपका 35,000 रुपए का प्रॉफिट अभी भी बच रहा है, और ये 35,000 का प्रॉफिट आप क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, डेबिट किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट वाला क्रेडिट किया, अब प्रॉफिट आप क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट है कितना, 35,000, क्योंकि ये बच गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो गया तो प्रॉफिट बच गया मेरा। तो इस 35,000 को आपको बांटना है 3:2 में, ठीक है।
ठीक है, तो ये आप निकालेंगे तो आ जाएगा 21,000 और 14,000। अब आप नेट इफेक्ट ले लो, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 36,000 से, ठीक है, और डेबिट है 30,000 से, तो क्या करना पड़ेगा, 6,000 से फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा। और वी का अकाउंट क्रेडिट करना है आपको 34,000 से, पर करके रखा है 40,000 से, तो उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लो जहां पर ए का करंट अकाउंट जो है क्रेडिट कर रहा है, तो पूरी एंट्री भी नहीं पूछा आपसे, एक ही एस्पेक्ट पूछ रहा है। तो यहां पर बी दिखाई दे रहा है, देखो 6,000 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो अगर आप सही निकालेंगे तो ऑप्शन के बीच में आप फंस भी नहीं रहे, ठीक है। क्वेश्चन 33 में आते हैं, विष्टु लिमिटेड फोरफीट किया है 20 शेयर ऑफ ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप, ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। तो मैं फिर से पूछूं, फोरफीचर के केस में शेयर होल्डर जितना पैसा पे करता है उतना पैसा आप फोरफीटेड शेयर अकाउंट या शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं अगर आपसे यहां पर पूछूं कि फोरफीटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हो गया होगा, तो ₹20 × 5 ₹100, ठीक है सर, ओके। 15 शेयर टोटल आपने शेयर फोरफीट किए थे 20, पर शेयर आप वापस रीइश्यू कितना करें 15, वो भी कितने रुपए में, ₹6 में। क्या आपने डिस्काउंट दिया, यस, आपने ₹4 का डिस्काउंट दे दिया क्योंकि ₹10 का शेयर है आपका, ठीक है सर। व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फोरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये बात आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा भेजना है, आपसे सिर्फ ये बोल रहा है कि शेयर को री इशू करने के बाद में फोरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा बचा होगा। तो यहां बहुत सिंपल सी बात है, आपने 20 शेयर पे ₹5 के हिसाब से पैसे कमाए थे, अब उसमें से आपने 15 शेयर इशू कर दिए, मतलब जो 15 शेयर है ना उसका हिसाब किताब खत्म हो गया, आपने डिस्काउंट डिस्काउंट भी दे दिया, डिस्काउंट लेस करने के बाद में कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा ये क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा बचेगा, तो टोटल पैसा ₹100 था, इसमें जो आपने शेयर री इशू किया है उसका प्रॉफिट का अमाउंट कितना था, उसका फोरफीट का अमाउंट कितना था। सर हमने शेयर तो री इशू किया 15 और हर एक शेयर पे हमने ₹5 कमाए, तो ये आपका 75 हो जाएगा, तो ₹25 आपके बचेंगे फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है ये, और इसका आंसर है 33 का सी। 34 में आते हैं, न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड। तो ये कौन है आपका, सेलर, और न्यू फाउंड कौन है, बायर, इसका बिजनेस खरीद रहा है वो, ठीक है सर। पेड फॉर इट बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, तो इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 30,000 के, और हर एक शेयर आपका 100 each का है, मतलब टोटल कितने रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, सर 30,00,000 के, ठीक है। अलोंग विथ 6% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100,00,000 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5%, अब प्रिफरेंस शेयर भी इशू कर रहा है, कितने रुपए का प्रिफरेंस शेयर, सर प्रिफरेंस शेयर इशू कर रहा है 100,00,000 के, और उसमें 5% प्रीमियम भी है, तो टोटल 105,00,000 के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, ओके सर। इसके अलावा चेक भी दे रहा है ₹8,00,000 का, कितने का, ₹8,00,000 का, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है, टोटल परचेज कंसिडरेशन बताओ, मतलब न्यू फंड ओल्ड लैंड को टोटल कितने रुपए की चीजें दे रहा है, कितना पीसी दे रहा है, परचेज कंसिडरेशन दे रहा है, ऐड कर लो आ जाएगा 135 + 8 ₹143,00,000, या ऐसा भी कह सकते हैं 1,43,00,000। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आ जाते हैं 35 में, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है ए और बी का 3:2, सी को एडमिट किया और सी जो है अपना 1/4 शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, और बी अपना टोटल में 3/16 दे रहा है सी को,
तो हमसे पूछ रहा है कि भाई सी को कितने शेयर मिलेंगे। तो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सी अगर अपना 1/4 ले रहा है किससे, ए से, तो सी अपना बचा हुआ पोर्शन 3/4 किसे ले रहा होगा, बी से, ठीक है। और इसको ऊपर सॉल्व करते हैं यहां पर, तो ये जो 3/4 सी ले रहा है बी से, सी का खुद का कितना हिस्सा है वो तो हमको सर पता नहीं, तो अब इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब सी फिर से अपना 1/4 अगर ए से ले रहा है तो बचा हुआ 3/4 बी से लेगा, और बी कितना दे रहा है ये तो गिवन है क्वेश्चन में, 3/16। तो एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 3/16, 4/3, 3/3 कट, 3/1 3/4, आपका आंसर आ गया 1/4। तो सी का टोटल शेयर कितना है 1/4, दैट इज 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। 36 में आते हैं, कृष्ण लिमिटेड ने इशू किया है कैपिटल कितना, 20 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच का, 20 लाख इक्विटी शेयर है और हर एक शेयर कितने का है आपका 10 का, ठीक है सर। टिल डेट ₹8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप, ओके, कंपनी ने अभी पूरे ₹10 नहीं मंगवाए, सिर्फ ₹8 मंगवाए, एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर ऑन 800 एंड ₹3 पर शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर हु हेल्ड 500 शेयर। क्या कह रहा है सर, ₹10 का शेयर है, इसमें से कंपनी ने अभी तक सिर्फ ₹8 कॉल्ड अप किए, सभी ने पैसे दे दिए, दो लोग को छोड़ के, एक बंदा है जिसके पास 800 शेयर है उसने ₹4 के हिसाब से पैसे नहीं दिए, एक बंदा जिसके पास 500 शेयर है उसने ₹3 के हिसाब से पैसे नहीं दिए, ठीक है। ये दोनों आपको क्या हिंट दे रहा है, कॉल्स इन एरियर के बारे में आपको बता रहा है, ओके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट विल बी द अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। देखो दोस्त, पूरे जो आपके 20 लाख इक्विटी शेयर है ना वो इसके अंदर आएंगे, क्योंकि अगर शेयर ₹10 का है और आपने अभी तक ₹8 मंगवाए हैं तो इन शेयर्स की कैटेगरी को आप फुली पेड अप तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो कैटेगरी में तो ये पूरे 20 लाख शेयर आ जाएंगे, पर हमको अमाउंट वाइज बताना है कितना अमाउंट आएगा। तो सर 20 लाख के शेयर हैं, 20 लाख टोटल शेयर हैं, इन पे ₹8 अभी तक मंगवाया गया है, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया 160 लाख, और इसमें से आप लेस कर दोगे कॉल्स इन एरियर 800 मल्टीप्लाई बाय 4 3200 और 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500, टोटल 4700 आप लेस कर देंगे 160 लाख से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,59,95,300। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब जो 37 और 38 है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा ये हमने डिस्कस भी किया अलग से, पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ब्राइट स्टार कंपनी है, एंगेज है मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, उम्मीद है फ्यूचर में हाई ग्रोथ होगा इनको और ये बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, और इसके लिए इनको कितने रुपए की जरूरत है, 50 करोड़ बोल दो या 5,000 लाख बोल दो, इतने रुपए की इनको जरूरत है। डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट कि 20% ऑफ दिस रिक्वायरमेंट वुड बी फाइनेंस्ड बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। तो 5,000 का 20% या 50 करोड़ का 20%, दैट इज 10 करोड़ तो कंपनी लोन ले लेगी, मतलब रिमेनिंग 40 करोड़ की कंपनी जो है शेयर इशू करेगी, या फिर से हम 4,000 लाख भी कह सकते हैं, ठीक है सर। एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी फेस वैल्यू शेयर की कितनी रुपीज होगी, 100 ईच। ऑल्सो कंसिडरिंग द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी दिस शेयर वुड बी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25। 100 का शेयर है, ₹25 प्रीमियम है, तो शेयर की इशू प्राइस क्या हो जाएगी 125। टोटल आप ₹4,000 के शेयर इशू कर रहे हैं 4,000 लाख के, और हर एक शेयर आपका 125 का है, तो कितने शेयर आप लैक्स में इशू कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32 लाख, ये 4,000 लैक्स है, ठीक है। हम जानकारी को सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं, ओके सर। द प्रोस्पेक्टस वॉज इशू टू पब्लिक एंड द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 2 लाख शेयर्स। तो हम तो 32 लाख शेयर इशू किए थे, पर 2 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी आ गई,
तो टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई? 34 लाख। ओके सर, आंसर दी बिलो मेंशन क्वेश्चन कंसिडरिंग दैट द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो वॉट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन? टोटल एप्लीकेशन कितने हैं? 34 लाख। इतने एप्लीकेशन आए होंगे और पूरा पैसा एक साथ मंगवा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 125, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड? तो ये तो हमने पहले निकाल लिया था, 32 लाख रुपए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 39, 40, 41 में, और ये भी आपका तीनों क्वेश्चन बेस्ड है केस स्टडी पे। 1 सितंबर 20 को, 1 सितंबर 20 को 20 बच्चे हैं मॉडर्न कॉलेज के, उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म चालू की बी सेफ के नाम से। क्या करेंगे ये लोग? सैनिटाइजर बेचेंगे, क्योंकि ये सब अच्छे दोस्त थे, तो इन्होंने कोई एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट नहीं किया है पार्टनरशिप में, मतलब पार्टनरशिप डीड इनकी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि दोस्त हैं इसीलिए, ना ओरल में ना रिटर्न में। ऑल ऑफ देम हैव एग्रीड टू इन्वेस्ट 15,000 ईच एज कैपिटल। टोटल पार्टनर कितने हैं? सर 20 पार्टनर्स हैं टोटल। ओके, हर कोई 15,000 रुपए देगा। बुक्स इनकी क्लोज होगी 31 मार्च को। ठीक है सर, ऑन विच डेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय द फर्म? ओके, तो फर्स्ट 31 मार्च को, कि मतलब ये कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं आपका? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च वाला। बिजनेस चालू कब किया है? 1 सितंबर को, मतलब करेंट ईयर में इन्होंने कितने महीने काम किया होगा? सर 6 मंथ नहीं, 7 मंथ। यस, 7 मंथ काम किया है, सितंबर टू मार्च। ठीक है, ओके। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमको टेबल में दे दी है, सेल किया है सैनिटाइजर का 1,20,000 का, उसको बनाने में कॉस्ट लगी 50,000 रुपये, पार्टनर को सैलरी पे करेंगे 2,000 रुपये पर मंथ, रेंट देंगे पार्टनर को 1,000 रुपये पर मंथ, मैनेजर की कमीशन होगी या का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। व्हाट अबाउट रेंट टू पार्टनर? सर रेंट टू पार्टनर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ओके, व्हाट अबाउट रेमुनरेशन टू पार्टनर? सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब ये दोनों प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे, और सेल और कॉस्ट कहां जाएगा? अगर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? सर बैलेंस शीट में, और सर ट्रेडिंग अकाउंट वहां पर भी जाएगा। ठीक है, और एफडी वेबडी भी है। अब आपसे ये पूछा है कि प्रॉफिट की अमाउंट निकालकर दिखाइए। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के बाद आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर हमारे लिए इररिलेवेंट हो गई। और कंपनी ने एफडी भी कराई है, पर एफडी साल के आखिरी में कराई है, तो इससे कोई ब्याज मिलने की उम्मीद है ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन 39 में आते हैं। बताइए प्रॉफिट कितना आप ट्रांसफर करेंगे पीएलए अकाउंट में? पीएलए अकाउंट में प्रॉफिट कहां से आता है? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि पीएलए अकाउंट में प्रॉफिट कितना जाएगा, तो पीएलए अकाउंट में प्रॉफिट आता कहां से? सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो या तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए भी शुरू में आपको क्या चाहिए रहेगा? सर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा ना सर, सेल वैल्यू है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। सेल वैल्यू कितनी है? 1,20,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 50,000 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 70,000 रुपये। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 रुपये। अब देखो यहाँ पर कौन सा खर्चा है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा? सर रेंट, रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट टू पार्टनर है कितना? 1,000 रुपये पर मंथ, और हमने करेंट ईयर में कितने महीने काम किया है? सर 7 मंथ। तो रेंट आ जाएगा आपका 7,000। मैनेजर कमीशन क्या ये यहाँ पर आएगा? ये सर मैनेजर कमीशन भी जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और उसकी अमाउंट आपको निकालकर बता दी गई है 5,000 रुपये। ठीक है, तो बस ये दो खर्चे ही दिखाई दे रहे हैं जो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते, तो रिमेनिंग जो है वो आपको क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट 70,000 रुपये, 70,000 रुपये, और 70,000 में आपको कितना 12,000 रुपये चले गया,
तो नेट प्रॉफिट कितना बचा 58,000। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का 58,000। 40 क्या, 40 पूछता है आपसे, ऑन 31 मार्च 2021 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर ऑफ बी सेफ बट ओनली आउट ऑफ। भाई इसके बाद आप क्या करते सर, इसके बाद हम पीएलए बनाते और पीएलए में क्या करते सर, हम बाय नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते 58,000 और फिर आप क्या करते सर, फिर हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर देते। तो ये रेम्यूनरेशन आप पे कहाँ से करते हैं सर, करेंट ईयर के प्रॉफिट से। तो वही तो आंसर हो जाएगा 40 का कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर पे किया जाता है करेंट ईयर के प्रॉफिट में से, ना कि रिजर्व से, ना कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से और ना कि गुडविल से। और आज के दिन का हमारा आखिरी क्वेश्चन 41, 1 दिसंबर 2020 को, 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए सर, 4 मंथ। वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लेकर आया और लोन भी दिया है ₹40,000 का। ये पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, आप पार्टनर को कितना पे करोगे। तो नॉर्मली आपको कंफ्यूज कर दिया ये, आप क्या करोगे सर, ₹30,000 का एडिशनल कैपिटल पर भी ब्याज देंगे उसको और लोन पर भी ब्याज देंगे। तो पहली बात ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो इन दैट केस उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे नहीं करेंगे, तो ओनली आप क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। लोन अमाउंट कितनी है 40,000। लोन के केस में अगर एग्रीमेंट ना हो तो रेट क्या होता है सर, 6%। और कितने महीने के देंगे सर, 4/12 सॉल्व करेंगे 800 आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी। तो इसके साथ हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 41 तक सॉल्व कर लिया है। अब हमारे क्वेश्चन बाकी हैं 42 से लेकर 55 तक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है ये बात आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। अभी तक के पेपर के बेसिस पे अगर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा है। पार्ट वन का जो सेक्शन ए है वो फिर भी थोड़ा ईजी था कंपेयर टू सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आपको कंसेप्चुअली पढ़ना है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, पर पहले आप अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए, चैप्टर के सारे कंसेप्ट को समझिए, तभी आप एमसीक्यू प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।